नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आजमगढ़ पहुंचे केशव मौर्य ने कहा, चाचा भी हार गए, भतीजा भी हार गए। यूपी में 80 सीट पर खिलेगा कमल का फूल, 2014 से जीत रहे। दो हजार चौबीस में आजमगढ़, लालगंज सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए ही ये बैठक है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की बैठक है। और भाजपा आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी है। अब तो चचा भी हार गए, भतीजा भी हार गए। आजम खां और आजम खां के भतीजे, दोनों लोगों की सीट चली गई, कमल के फूल के खाते में आ गए। शिवपाल जी भी आए थे, कह रहे थे इंडिया जीतेगा, 80-80 एनडीए का सुखड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, कथनी और करनी में अंतर है, ठीक है। 2014 से आप देख रहे हैं चाचा और भतीजे दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन भाजपा लगातार जीत रही है और आगे भी जीतेगी। सपा के और कुछ विधायक हैं आपके टच में, भाजपा के टच में हैं? जो होंगे जब आएंगे तो बताएंगे, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो कौशाम्बी के कई विधायक चल रहे हैं? नहीं, बहुत सारी चर्चा चल रही होगी, लेकिन चर्चा आपको बताने लायक होगी तो बताएं। धन्यवाद। तो बीएसपी से कोई समझौता सर? अब समझौता होगा तो बहुत हाई लेवल की बात है, यहाँ की बात नहीं है। धन्यवाद।